हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग देख रहे हैं हमारे पास्ट ईयर की क्वेश्चन इस सीरीज में, और हम लोग इस पास्ट ईयर के सीरीज में बेसिकली जो अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। फटाफट देखते हैं इकोनॉमिक्स में, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन देख रखे हैं हमारे पास्ट की वीडियोज में, आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, दे आर प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल। यू कैन यूज दीज कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो हम लोग देख रहे थे हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन। इस पास्ट ईयर के क्वेश्चन को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने टर्शियरी सेक्टर एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्रीकल्चर रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू विल गेट अ न्यू फील हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपको ज्योग्राफी से कनेक्ट करना होता है और साथ में आपको कुछ डेली रेगुलर प्रैक्टिस की चीजों से भी कनेक्ट करना होता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ से जो पूछी गई है वो करंट अफेयर बेस्ड है, तो हमारे कुछ क्वेश्चन तो रेलिवेंट होंगे ही होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं भी होंगे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी इकोनॉमिक सर्वे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही मिल रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जितने भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट रिलेटेड प्रोविजंस जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, सारा आप वापस से पढ़ करके उसको एक जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एक जगह पे उसकी नोट्स बना करके रख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमारी आ जाती है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिलेटेड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 1995 का है और ये अब इररिलेवेंट हो रखा है क्योंकि अब आ गई है GST। तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं देखना है कि स्टेट का कैसे पैसा आ रहा है और सेंटर का पैसा कैसे आ रहा है, क्योंकि ये GST है और यहां पर CGST और SGST के माध्यम से दोनों में आपस में डिविजन हो जा रहा होता है। फिर भी अगर यहां पर देखेंगे, एक आइडिया लें कि हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, तो यहां पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेस अजाइन, तो अजाइन करना है। और जबकि फाइनेंस कमीशन हमें पता है कि ओनली एंड ओनली रिकमेंडेटरी बॉडी, इसलिए आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। NDC प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है, तो यहां पर ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑलरेडी इट हैज बीन अबॉलिश्ड, ये हटा दी जा चुकी है। इंटर स्टेट काउंसिल, ये केवल और केवल अपने मुद्दों को लेकर आने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। बच गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड यही हो जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहां पर सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन रिलेटेड प्रोविजन लिखे गए थे, तो ये हो जाएगा आंसर। फिलहाल कह देंगे तो आप GST बोलेंगे, और अगर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 279A, और ये बताता है GST काउंसिल, और यही GST काउंसिल बेसिकली सारे के सारे रेट को डिसाइड कर रही होती है। CGST होती है और SGST होती है, ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आ जाए, यहां पर क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर इंटरनेशनल ट्रेड लो। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगेन ये 1995 का क्वेश्चन है। आज की डेट में अगर देखें तो देखिए हमारा जो राइस का जो एक्सपोर्ट होता है वो हम लोग सेकेंड नंबर पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग रबर के बारे में बात करें तो रबर हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही मिनिमल है, मतलब इनफैक्ट हम लोग वर्ल्ड ट्रेड में हम लोग रैंकिंग में भी नहीं आते हैं। सिमिलरली कॉफी में भी हम लोग बहुत ही पीछे हैं, और हमारी वीट जो है उसमें हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। इन दोनों ही सेक्टर में फर्स्ट नंबर पे चाइना आ जा रही होती है। तो फिलहाल अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें लो में, तो लो कॉफी का भी है और रबर का भी है। आज के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो रबर का ज्यादा लो है एज कंपेयर टू कॉफी। तो फिलहाल आज के अगर डेट में कंपेयर किया जाए, क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा रबर। हालांकि उस टाइम पे इसका आंसर राइस हुआ करता था, लेकिन फिलहाल के कंटेक्स्ट में हम लोग इसको रबर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इन इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर रूरल अर्बन जो भी इनकम है उसमें जो एनोमली है, या कह लीजिए उसमें जो डिफरेंस है उसके बारे में, कि आखिर में ये डिफरेंस है तो क्यों है, इन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखिए पहला बोलता है कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू एडिशन पे हमेशा प्राइस जो होती है वो काफी बढ़ जा रही होती है। इसके बाद बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज बीन लो व्हेन कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर इसके करेक्ट जो है सारे ही करेक्ट हो जा रहे होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली होते हैं, इनको बुलाता है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। तो जितने भी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं
उनके सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो रहे होते हैं जनरली। हालांकि इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि 2017 में यूपीएससी ने हर तरीके को अपना दिया था और हर एक जो भी पहले से एक प्री एजम्पशन मान करके चला जाता था वो सारे प्री एजम्पशन को यहां पर गलत करार दिया गया था। तो यूपीएससी इस तरीके के गेम खेलती रहती है तो आपको भी यहां पर ध्यान रखना होगा। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि कौन सी कम्युनिटी का एक्सपोर्ट हो रहा है और कौन सी डेस्टिनेशन कंट्री है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो आयरन हो रहा है, आयरन हम लोग ज्यादा दे रहे होते हैं किसको, जापान को। क्यों? क्योंकि जापान के पास लोहा नहीं है और वो ऑटोमोबाइल अपना बना रहा होता है। तो यहां पर तो कोई बात ही नहीं, आप आराम से इसको करेक्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है दिस इज जापान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हमारी चाय टी, पूरा का पूरा आपने हिस्ट्री पढ़ लिया और बेसिकली जो हमारे कह लीजिए कि कॉलोनी बनाई गई थी ब्रिटेन के द्वारा वो किस लिए बनाई गई थी, टी ब्रिवरेज एंड स्पाइसेस के कारण से। तो चाय बेसिकली इसीलिए हम लोग यूके को ही ट्रांसफर कर रहे होते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। बाकी लेदर की चीजें हम लोग दे रहे होते हैं रशिया को और बाकी जो कॉटन फैब्रिक है कॉटन भेजा जाता है यूएसए को। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी तरीका किस तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से जब आप मूव करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कौन सा। आयरन के लिए देख लीजिए 3 नंबर होना चाहिए, तो आयरन के लिए या तो ये और बी नंबर रशिया हो जाएगा एंड दिस विल बी आंसर बी। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे। तो अगेन देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है तो ऑलरेडी सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें रीजनल डिस्पैरिटी। अब देखिए रीजनल डिस्पैरिटी, अब ये रीजनल डिस्पैरिटी वाली चीज तो आपको पता ही है कि एक रीजन और दूसरे रीजन में जो भी इकोनॉमिक सोशल या पॉलिटिकल जो भी डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। कहता है कि इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटी काफी हाई है एंड हैव बीन राइजिंग इन रीसेंट ईयर, और ये राइज भी कर रही है। राइज करने के पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकता है देखते हैं। देयर इज परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम ओनली इन सेलेक्ट लोकेट्स, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ जगहों पे जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है, कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इस कारण से रीजनल डिस्पैरिटी आ रही है। सम एरियाज आर एग्रो क्लाइमेटिकली लेस कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है क्योंकि बुंदेलखंड वाले रीजन हो गए, मराठवाड़ा रीजन हो गया, ये तो एग्रीकल्चरली लेस कंड्यूसिव है तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर उसके बाद से है सम एरियाज कंटिन्यू टू फेस लिटिल और नो एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंसिक्वेंट लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये भी करेक्ट है। अगेन मराठवाड़ा के रीजन को, बुंदेलखंड के रीजन को लेकर के आप यहां पर देख सकते हैं, तो यही वाली चीज यहां पर भी आ जाएगी। हमारी नेक्स्ट आ जाती है सम एरियाज हैव फेस्ड कंटिन्यूअस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब देखिए ये भी हालांकि करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन ये करेक्टनेस बाकियों के रेस्पेक्ट में अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है तो बाकी इसका आंसर हो जाएगा ए। हालांकि अगर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑब्वियसली देयर विल बी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 और ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी क्वेश्चन आती है टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए जो जीएम क्रॉप्स होती थी उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनका पेटेंट होता है और ये स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल होने का मतलब ये है कि जब भी प्लांटेशन हो जाएगी, जो भी प्लांट्स वगैरह, जो भी क्रॉप वगैरह, जो कुछ भी होना है, इससे कभी भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगी, इससे सीड नहीं निकलेगी। तो हमारे फार्मर्स क्या करते थे कि अपना जो भी सीड निकालना है, मतलब नेक्स्ट क्रॉपिंग जो भी करनी है, वो पुराने क्रॉप से ही सीड्स निकाल लेते थे जिससे इनका सीड वाला जो कह लीजिए कॉस्ट है वो बढ़ता नहीं था, वो हमेशा कह लीजिए पुराने वाले से ही कंपनसेट कर लिया जाता था। लेकिन जैसे ही ये जीएम क्रॉप आई है वैसे ही ये जो सीड वाली प्रॉब्लम है ये निकल करके आई है क्योंकि हर साल फार्मर को सीड खरीदना पड़ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी, जहां पर इसकी स्टेराइलिटी कर दी जाती है, इसके सीड जर्मिनेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है और इस टर्मिनेशन के कारण से सीड नहीं बन पाती है। तो इसमें हुआ क्या, ये हो जाएगा आपका स्लो पुअर जर्मिनेशन, नहीं स्लो यील्डिंग, नहीं क्योंकि ये जीएम क्रॉप है हाई यील्ड रहेगा। गिव राइज टू सेक्सुअली स्टेराइल प्लांट्स, यस ये करेक्ट हो जाएगा, यहां पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यही सीड नहीं बनाने दे रही है। नेक्स्ट आ जाती है क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर बोलता है करेक्ट सिक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 4 शुगर केन प्रोडक्शन। यहां पर बेसिकल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, यानी टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। टोटल प्रोडक्शन में ऑब्वियसली यूपी सबसे ज्यादा होती है, फिर महाराष्ट्र होती है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक होती है और कर्नाटक के बाद तब जाकर के आंध्र प्रदेश हो रही होती है, कर्नाटक इन द सेंस की सॉरी तमिलनाडु होती है, दिस इज तमिलनाडु, और ये होती है, ये हुई प्रोडक्शन की। लेकिन अगर यील्ड के बारे में अगर बात करें तो यील्ड के हिसाब से महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ जाती है, फिर यूपी आती है, फिर तमिलनाडु आती है एंड देन आंध्र प्रदेश आती है। देखिए ये डेटा हमेशा हर साल चेंज होता रहता है, वन सेकेंड, हर साल ये डेटा देखिए चेंज होते रहता है, इसलिए आपको
रीसेंट का एग्रीकल्चर सेंसस जो भी हुआ है उस एग्रीकल्चर सेंसस को हमेशा याद रखना है। ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रही होगी, ऊपर आई बटन बन के आ रही होगी। इस आई बटन में बेसिकली इस साल का एग्रीकल्चरल सेंसस डेटा यहां पर डिस्कस किया गया है। आप इसको फटाफट देख लीजिए और इसके जो भी कह लीजिए कि फैक्ट्स है उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर साल एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो मतलब बेसिकली 2 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे अगर उस कह लीजिए कि वीडियो को उस सारे के सारे फैक्ट को आप याद कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट एक्रिएजन अंडर ग्वार। तो ग्वार एक टाइप की क्रॉप होती है, बिल्कुल ये मैक्सिमम यहीं पे होता है, मतलब इनफैक्ट ग्वार हो गया, ओनियन हो गई, ये महाराष्ट्र से ही आ रही होती है। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। राजस्थान हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ये भी करेक्ट हो रखा है आज की डेट में। और आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट मेज कल्टिवेशन, ये भी करेक्ट है। देखिए सारे ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट हैं फिलहाल के लिए, और ये 2000 के हिसाब से जो क्वेश्चन है सो क्वेश्चन है, लेकिन अगर 2020 में ये क्वेश्चन होता है ये सारा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपका आंसर ऑल ऑफ द एबव बन जाएगा। ठीक है, तो आज की डेट में ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा आपको समझ ही में आ गया, बाकी इसका आंसर हमारे लिए फिलहाल के लिए इररिलेवेंट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, दिस क्वेश्चन इज इररिलेवेंट, क्यों? क्योंकि हमारे पास 1991 से 1998, 99, 90 का डेटा यहां पर पूछा गया है, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, तो इसको स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस चीज का होता है हमारे यहाँ पे, एक्सपोर्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है मरीन प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट, मरीन प्रोडक्ट। हालांकि अगेन ये डेटा चेंज होते रहता है। इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तब तो मरीन प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आ जाता है, लेकिन बाकियों के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हमारे पास पेट्रोलियम है, प्रीशियस स्टोन्स मेटल्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इन सारी चीजों का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगेन ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे का है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे की चीजों को भली भांति बढ़िया से याद करके जाइएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली एमएसपी के बारे में। तो आपको पता है कि हमारा एक फार्मर होता है, फार्मर जब भी प्री हार्वेस्ट करना होता है, प्री हार्वेस्ट का मतलब कि अभी उसने जस्ट जो है सोइंग सीजन ले आया है, सोइंग सीजन में यहां पर लिख सकते हैं कि ये सोइंग सीजन है, सोइंग सीजन में ये अपना गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एमएसपी होती है अनाउंस कर दी जाती है और फार्मर को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि चलो ठीक है हम ये क्रॉप लगाएंगे तो हमें सरकार एटलीस्ट इतना मुआवजा तो देगी ही, कंपनसेशन तो देगी ही। अब एमएसपी जो निर्धारित हो जाता है उसके बेसिस पे फार्मर अपना प्रोडक्शन कर रहा होता है, प्रोडक्शन के बाद अल्टीमेटली जो यील्ड निकल के आती है उस यील्ड में एमएसपी से ज्यादा भी हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई, और एमएसपी से कम भी हो सकता है। अब यहां पर गवर्नमेंट की बारी आती है, गवर्नमेंट नाउ गोइंग टू प्रोक्योर द क्रॉप, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर करने के लिए जो प्राइस निर्धारित किया जाता है वो एमएसपी भी हो सकता है और एमएसपी से ज्यादा भी हो सकता है। इस प्रोक्योरमेंट प्राइस को, इस प्रोक्योरमेंट के टाइम की जो प्राइस होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस। क्लियर हो गया क्या चीज है? प्रोक्योर करके रखा कहां जाता है? रखा जाता है इसको एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा साइकिल है। एमएसपी के बारे में बात करें तो टोटल 22 क्रॉप्स ऐसी हैं जिसकी एमएसपी डिसाइड की जा रही होती है। इसमें केवल और केवल सीरियल्स नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारी चीजें होती है, पल्सेस भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी इसमें कई सारे होते हैं। एमएसपी के लिए देखिए अगेन सेपरेट एक वीडियो बना के रखी गई है, ऊपर देखिए आई बटन बन के आया हुआ होगा, इस पर भी आप जाकर के क्लिक करके इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहां पर अगर क्वेश्चन देखें तो देखिए, रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज अ प्रोक्योरमेंट टारगेट rather than open ended, बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट एक प्रोक्योरमेंट टारगेट लेती है कि हमें इतना लेना है, प्रोक्योरमेंट टारगेट, और ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट टारगेट अल्टीमेटली एफसीआई में रख दिया जाता है, और यहां से पीडीएस के थ्रू या फिर जो आज की डेट में टारगेटेड पीडीएस बना हुआ है उसके थ्रू इसको राशन कार्ड में फेयर शॉप्स में दे दिया जाता है, और इस फेयर शॉप्स के थ्रू जो भी बीपीएल्स वगैरह हैं उनको क्रॉप मिल जा रही होती है, यील्ड मिल जा रही होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस एमएसपी फॉर ओनली फॉर सीरियल्स, गलत हो गया, क्योंकि यहां पर सीरियल भी होते हैं, पल्सेस भी होते हैं, ऑयल सीड भी होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड पीडीएस, वीट एंड राइस आर इश्यूड बाई
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट यूनिफॉर्म सेंट्रल इशू प्राइस, यहां पर जो प्राइस डिसाइड होती है उसको बुलाता है सेंट्रल इशू प्राइस सीआईपी, और ये यूनिफॉर्म होता है टू ऑल द स्टेट्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर ऑप्शन वन एंड थ्री सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा जो आपको ये फिगर दिखाया गया है, ये आपको थोड़ा सा चीन पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है, यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछती रही है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें, इंडिया कंटिन्यूज टू डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल सीड, बिल्कुल सही बात है, हमें जब भी ऑयल सीड होती है उसको हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता है। कई तरीके की ऑयल सीड होती है, जैसे मस्टर्ड हो गया, या फिर हमारी पाम ऑयल हो गई, या फिर हमारी नंबर ऑफ सनफ्लावर ऑयल हो गई, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग हम लोग ऑयल सीड मंगा रहे होते हैं। उसके क्या कारण है देखते हैं, कारण क्या बताया गया है, फार्मर प्रेफर टू ग्रो फूड ग्रेन एट हाईली रिमुनरेटिव सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए राइस और वीट का हमारे यहाँ पर जो एमएसपी होता है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब अगर ये 200-300 के नियर अबाउट में चल रहा है तो बाकी क्रॉप की 100-120 में चल रही होगी, तो राइस और वीट को उगाने में काफी ज्यादा गवर्नमेंट एक तरीके से कह दीजिए प्रमोशन दे रही है, क्योंकि इसकी एमएसपी ज्यादा निर्धारित करके रखी गई है। दिस इज जस्ट अ रॉ डेटा, इसका जो भी रीसेंट डेटा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग डेटा है, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल डेटा, इनफैक्ट बहुत कम मैंने बताया हुआ है। क्लियर हो गया क्या चीज है। देखिए इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोलता है, मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जनरली जो एग्रेरियन एरियाज है वहां पर वीट और आपके राइस उग जाती है, लेकिन बाकी जगहों पर हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है रेनफॉल के। तीसरी स्टेटमेंट है, ऑयल फ्रॉम सीड ऑफ फ्री ओरिजिन एंड राइस ब्रैन हैव रिमेंड अनएक्सप्लॉयटेड, ये भी करेक्ट है, यहां पर भी कोई चीज बात करने वाली नहीं है, ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। इट इज फार चीपर टू इम्पोर्ट ऑयल सीड टू कल्टिवेट ऑयल, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों को जो भी इसके कल्टिवेशन में जो प्राइस देनी पड़ रही है उससे ज्यादा सस्ता हमें इम्पोर्ट पड़ जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम इसको नहीं उगाएंगे, कल्टिवेट नहीं करेंगे, हम लोग इसको इम्पोर्ट ही कर लेंगे। तो इस तरह से आंसर इसका डी हो जाता है, सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए दो संस्थाओं का नाम लिया गया है एमएसपी वगैरह निर्धारित करने के लिए। हम लोगों ने अभी देखा कि एमएसपी जो होती है वो 22 क्रॉप्स की निर्धारित हो रही होती है। एमएसपी निर्धारण के लिए दो बॉडी सामने आती है, एक होती है जिसको बोलते हैं सीसीईए और दूसरा होता है सीएसईपी। तो एक होती है सीएसईपी और दूसरी होती है सीसीईए। इस सीसीईए का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर। और ये सीएसईपी का मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसईपी क्या करती है, रिकमेंड करती है क्या प्राइस होना चाहिए, किसका, एमएसपी का। डिसाइड करने वाली बॉडी होती है सीसीईए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, और ये इशू कर देती है कि यही वाला प्राइस रहेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं सीसीईए डिसाइड करती है क्या होगा, सीएसईपी रिकमेंड करती है कि क्या चीज होगा। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो दिस इज रिकमेंडेटरी बॉडी एंड दिस इज डिसाइडिंग बॉडी। एमएसपी जो निकाला जाता है वो अलग अलग, मतलब कि क्रॉप के लिए अलग होती है जिसको बोला जाता है एमएसपी, और जो शुगर केन होती है उसके लिए अलग होती है, शुगर केन को बोला जाता है एफआरपी, फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस। और इस फेयर और रिमुनरेटिव प्राइस को जो निर्धारित और रिकमेंड एंड डिसीजन दोनों के दोनों ही सीसीईए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जा रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो शुगर केन है उसके लिए कोई सीएसईपी निकालती नहीं है, क्योंकि इसे प्रोक्योर करने वाली जो संस्था होती है वो होती है शुगर मिल्स। तो शुगर मिल्स केवल और केवल उन्हीं चीजों को ले सकती है जो मिनिस्ट्री बोल रही है और मिनिस्ट्री के हिसाब से ही काम कर रही होती है, यानी रिकमेंडेशन और डिसीजन दोनों के दोनों सीसीईए ही कर रही होती है यहां पर। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गया होगा, क्योंकि 2015 में इसी से एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन है वो। यहां पर जब आप देखेंगे तो सीसीईए रिकमेंड द एमएसपी, तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आगे रॉन्ग है, क्योंकि 32 क्रॉप दे रहा है और एक्चुअल में 22 क्रॉप की ही निर्धारित की जाती है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसीलिए स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है क्या चीज बोल रहा है। दूसरा बोलता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पीडीएस हैज लॉन्च द नेशनल सिक्योरिटी मिशन, ये भी देखिए गलत है, क्योंकि इसको निकाली गई थी एनडीसी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया था, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर हो जाएगा डी। हालांकि देखिए
पहली स्टेटमेंट ये आपको जानने वाली है, दूसरी स्टेटमेंट देखिए, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिस इज करंट अफेयर बेस्ड, यू कैन स्किप दिस सेकंड स्टेटमेंट, लेकिन पहली स्टेटमेंट और ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन। अच्छा, दूसरा बोलता है कि शुगर एंड शुगर केन आर एसेंशियल कमोडिटी अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। देखिए, शुगर के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात किया है कि हाँ ठीक है, दिस गवर्नमेंट जो होती है, मतलब कि सीसीईए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये एक्चुअल में सीलिंग लगा रही है, मिनिमम प्राइस इसकी निर्धारित कर दे रही है ईच शुगर सीजन के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, यहां पर कोई डाउट नहीं है। इसी को बोलते हैं हम लोग एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस। दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, बिल्कुल ये भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आती है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन के बारे में, माइक्रो इरिगेशन क्या चीज होती है, ये आप लोगों को पता होगा कि माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है कि एक इफिशियंट इरिगेशन सिस्टम, जहां पर हम लोग दो तरीके से यूज कर रहे होते हैं, एक होती है जिसको हम लोग स्प्रिंकलर बोलते हैं और दूसरी जिसको बोला जाता है हम लोग ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप कर करके होती है और स्प्रिंकलर में हवा के फवारे के तरीके से पानी को इरिगेट किया जा रहा होता है। अगर इसके फायदे के बारे में बात करें क्या चीज है, तो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। तो देखिए, अकेला नहीं है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ड्राई लैंड है, यहां पर पानी की व्यवस्था आप कैनाल से भी कर सकते हैं, टैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका होता है हमारा ये माइक्रो इरिगेशन, इससे पानी भी बचता है और हमारी सॉइल भी बच रही होती है, इरोड नहीं हो रही होती है। इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड टेबल कैन बी चेक्ड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 3 करेक्ट हो जाएगी इसकी ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज द मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टिवेशन ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स। तो देखिए, ऑर्किड एक तरीके का फूल पौधा होता है जहां पर, जो हिमालयन एरियाज में होता है। यहां पर जब आप हिमालयन एरिया देखेंगे तो केवल और केवल आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रही होगी, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हालांकि हमारे लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी अलग टाइप का है। 11 में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि उस समय ऑर्किड काफी ज्यादा न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इसको फिलहाल स्किप कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को कभी ये रिपीट नहीं होगा। 17 के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए, कल्टीवेशन ऑफ सी बकिंगहम के बारे में बात कर रहा है, सी बकथ्रॉन के बारे में। सी बकथ्रॉन एक तरीके का बायोडीजल होता है, देखिए जो दिया गया स्टेटमेंट नंबर 2 में, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, एक तरीके की मेडिसिनल क्रॉप होती है, ये मेडिसिनल क्रॉप बोल सकते हैं आप, या प्लांट बोल सकते हैं, जो भी बोलना है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, इट हैज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड वेल अडॉप्टेड टू कोल्ड एरियाज ऑफ हाई, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टिम्बर इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल यूज, देखिए सारा का सारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन का सारा स्टेटमेंट करेक्ट होता है और इसलिए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, सारे 1, 2, 3, 4 ऑल करेक्ट इसका स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा, तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज है। इसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 18, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एनहेंसिंग सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब, मान लीजिए हमने 5 किलोग्राम के लिए सीड अपनी जो भी लेकर के आई थी, वो सीड हम लोगों ने 200 रुपए में लेकर के आया था, इस सीड से हमारी प्लांटेशन होगी और प्लांटेशन के बाद अल्टीमेटली हमारा नेक्स्ट सीड तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट सीड अगर मान लेते हैं कि केवल और केवल 4 किलो का तैयार हुआ है, यानी केवल और केवल 150 रुपए का तैयार हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो है वो हमारी घट गई है। कितने से घट गई है आप अकॉर्डिंगली परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने से घट गई है, 20% से नियर अबाउट आपको घटी हुई मिलेगी अकॉर्डिंग टू द वेट, और अगर पैसे से बात करेंगे तो नियर अबाउट 25% से कट गई है, वो आप देख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट, और ये इसी के बारे में बात कर रहा है कि आखिर में क्या है। देयर इज नो, कहता है पहला स्टेटमेंट, देयर इज नो सीड पॉलिसी इन फेस, गलत है, क्योंकि 2004 के दौरान में सीड पॉलिसी ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनी इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ वेजिटेबल एंड प्लांटेशन। ये भी स्टेटमेंट देखिए गलत है, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे हैं जो केवल और केवल हॉर्टिकल्चर और सीड में ही काम ही करते हैं, तो सीड को बेचना, सीड की सेलिंग, ये सब काम करते हैं, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन तो है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर थ्री बोलता है देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग अ क्वालिटी सीड इन लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए यहां पर ये प्रॉब्लम तो है, इसमें जो है चीजें हमें देखने को मिल रही होती है जहां पर डिमांड सप्लाई गैप हमें मिल जा रहा होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, आंसर हो जाएगा थ्री ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर बोलता है ड्रिप इरिगेशन का एडवांटेज क्या है। ड्रिप इरिगेशन एक तरीके की माइक्रो इरिगेशन है जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस ही किया है क्वेश्चन के माध्यम से, जहां पर ड्राई इरिगेशन के बारे में बात की गई थी। इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो यहां पर देखिए होता क्या है कि जो हमारी सीड होती है, मान लेते हैं कि हमारा प्लांट है और नीचे हमारी प्लांट की जो भी ये रूट है, तो यहां पर जो रूट होती है यहां पर डायरेक्ट इसको ड्रिप के जरिए एक पाइप लगी होती है और यहां पर बूंद बूंद करके पानी जाता रहता है, जिससे क्या होती है कि वाटर की इफिशियंसी काफी अच्छी हो जाती है और साथ में जो वीड वगैरह जम जाते हैं, जो खरपतवार आ जाती है वो नहीं जमती है। इसलिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ये, यहां पर रिडक्शन इन वीड आ जाएगा। दूसरा है कि रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी। देखिए सॉइल सैलिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहां पर पानी अल्टीमेटली सॉइल को डायरेक्ट जा रही होती है, तो सॉइल सैलिनिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अगर बढ़ रही होती है तो बढ़ ही रही होती है। तीसरी स्टेटमेंट है रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पानी अलग से आपको इरिगेट नहीं करना पड़ेगा, पानी नहीं चलाना पड़ेगा, जिससे जो मिट्टी है वो टूटेगी नहीं, अपने बाइंडर को छोड़ेगी नहीं और अल्टीमेटली इरोजन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, वन एंड थ्री ऑप्शन हो जाएंगे इसके। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि व्हाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट यूज ऑफ नीम कोटेड। इसमें हुआ क्या था, यूरिया जब निकाला गया था तो ये सब्सिडाइज्ड रेट पे निकाला गया था, सब्सिडाइज्ड रेट होने के कारण से ये सारा का सारा इंडस्ट्री की ओर डाइवर्ट हो गया था क्योंकि इनको ये अब सस्ते में मिलना शुरू हो गया था और यहां से ये अमोनिया निकाल दे रहे थे क्योंकि इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है और यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है एनपीके वाला। तो इससे हुआ क्या, इस सब्सिडी को बंद नहीं किया जा सकता था क्योंकि अल्टीमेटली ये डायरेक्टली फार्मर को ही बेनिफिट कर रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको यूरिया के ऊपर में नीम कोटिंग करना शुरू कर दिया। नीम कोटिंग करने से दो फायदे हुए, एक तो ये इंडस्ट्री की ओर में जो डायवर्जन हो रहा था इस डायवर्जन को खत्म कर दिया गया और दूसरा ये जो नीम थी ये अल्टीमेटली प्लांट को और ज्यादा फायदा पहुंचाना शुरू कर दी, जिससे जो पेस्ट वगैरह लगते थे वो पेस्ट भी आना बंद हो गए। इससे काफी फायदा हुआ गवर्नमेंट को और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इसी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू रखा। ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन सॉइल इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो यूरिया ही कर रही होती है। नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। इस स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो अगर देखें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी क्योंकि हाँ ये डिसोल्यूशन को धीरे धीरे स्लो डाउन कर रही होती है जिससे नाइट्रोजन सफिशियंट अमाउंट में पहुंच पाता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। आगे बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वीड साइड एंड फर्टिलाइजर। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो होती है वो पढ़ के ही आपको लग जाएगा कि कुछ अलग टाइप की स्टेटमेंट है, हमारे काम की नहीं है। तो देखिए 16 में क्वेश्चन पूछा गया है और अगर बात करें तो काफी ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स में रही थी इस वजह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप करंट अफेयर्स कुछ फॉलो करते ही होंगे न्यूज़पेपर वगैरह। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे और साथ में जो भी बजट वगैरह है ये आपको देखना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन, नो अल्टरनेटिव एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी अच्छी स्कीम थी, बहुत अच्छा लाया गया था। इनफैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है रिविजन किया गया है इस स्कीम में। क्या रिवीजन किया गया है ये आपको लुकआउट करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में इसके जो भी डिटेल्स हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं हमारे, अदरवाइज आप जो भी इसमें रिवीजन किया गया उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन बात करें, अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप। नो, सबके लिए अलग अलग थी, रबी के लिए 1.5%, इसी तरीके से 2%, अलग अलग तरीके से बनाई गई थी, 5% फॉर वेजिटेबल, तो सबके लिए अलग अलग थी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि पोस्ट हार्वेस्ट कवर को भी है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी कवर करती थी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली एंड ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ये स्कीम है और ये जो भी गवर्नमेंट स्कीम है जो करंट में हुई रहती है उन्हीं को ये पूछ रहा होता है और ये सारा का सारा डिस्कस किया जाता है बजट में। तो मेक श्योर कि आप सारे के सारे बजट के प्रोविजन को आप ध्यान रखे रहे, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि अब देखिए ये जरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन काफी परेशान करेंगे आपको एग्जाम में। देयर इज अ बैरियर, 1991 का बैरियर, इधर को बोलेंगे हम लोग पोस्ट एलपीजी 1991 वाली पॉलिसी, और ये बोलेंगे हम लोग प्री एलपीजी। अब हमें क्या करना होता है, एक ब्रॉड लेवल पे, एक मैक्रो भी क्या, सुपर मैक्रो लेवल पे हमें चेक करना होता है। क्या चीज बोल रहा है, देखिए शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड। पहले एग्रीकल्चर का शेयर काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी एग्रीकल्चर का शेयर लगातार गिरते रह गया है, और इनफैक्ट सर्विस का सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ते गया है। तो इस तरीके से आप यहां बोल सकते हैं कि 1991 के बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अकर्ड, तो यहां पर इनॉर्मसली इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है, ये स्टेटमेंट डिक्रीज हुई है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। गलत होने से आप ऑप्शन ए नंबर काट कर सकते हैं, डी नंबर कट कर सकते हैं। अब ऑप्शन हो गए या तो हमारी बी या तो सी। आगे बढ़ते हैं, शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज। अब देखिए यहां पर जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड हुआ करता था वो बहुत ही कम हुआ करता था, यहां पर वर्ल्ड ट्रेड हमारा बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही ओपन हो गई थी। वर्ल्ड ट्रेड का मतलब यहां पर इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दोनों से ही है, चाहे इंपोर्ट बढ़े चाहे एक्सपोर्ट बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों ही बढ़ा है ऑब्वियसली हमारी पोस्ट एलपीजी के बाद। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, यानी दो स्टेटमेंट दूसरी वाली तो करेक्ट है। आगे देखते हैं, एफडीआई इनफ्लो बढ़ गया है, बिल्कुल करेक्ट है, एफडीआई इनफ्लो तो बढ़ा ही बढ़ा है, क्योंकि पहले तो एफडीआई इनफ्लो हुआ ही नहीं करता था, क्लोज इकोनॉमी थी हमारी, यहां पर हमारी एफडीआई इनफ्लो काफी अच्छे से बढ़ गई है, काफी अच्छे से चल गई है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनफैक्ट अगर बात करें तो इस बार भी एफडीआई और एफपीआई काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, $461 बिलियन रिकॉर्ड किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए स्टेटमेंट नंबर फोर के बारे में बात करेंगे, तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज किया है। अब देखिए यहां पर अगर फॉरेक्स इंक्रीज के बारे में बात करें या फॉरेन रिजर्व के बारे में बात करें और यहां पर बात करें, अब देखिए ये जो रिजर्व है अगर विद इन दिस लेवल पे केवल देखेंगे, मतलब पोस्ट लिबरलाइजेशन देखेंगे, काफी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कई बार ऊपर उठता है कई बार नीचे उठता है, लेकिन यहां पर आपको कंपेरिजन करना है इसके साथ, पोस्ट एलपीजी और प्री एलपीजी के साथ। प्री एलपीजी में ऑब्वियसली बहुत कम हुआ करता था और इस समय काफी बढ़ गया है, तो आप यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं यस इट हैज इनॉर्मसली इंक्रीज्ड। तो ये स्टेटमेंट भी इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर विद इन दिस पोस्ट एलपीजी केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हर साल घटता बढ़ता रहता ही है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि इस बार कितना है फॉरेक्स रिजर्व, कितना है हमारा एफडीआई, कितना आया एफपीआई, कितना है, ये सब आपको एग्जाम में डेटा याद रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर रहेगा, क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, यहां पर बोलता है देखिए थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल लेवल का क्वेश्चन है, दिस इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन। यहां पर बोलता है बीआईएस इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोबाइल टायर एंड, बिल्कुल करेक्ट है, टायर वगैरह देखेंगे वहां पर बीआईएस मार्किंग वगैरह हुई रहती है। एगमार्क के बारे में बोला गया, एगमार्क इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है, इश्यूड बाई एफएओ, नो एफएओ को कोई मतलब नहीं है, एफएओ जो होती है यूएन की बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जा रहा होता है क्वालिटी इशू के लिए, फूड की क्वालिटी चेक करने के लिए होती है। तो इस तरह से ऑप्शन केवल और केवल वन करेक्ट हो जाएगा और बाकी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। अब देखिए ओनली के साथ यहां पर गेम किया गया है, जबरदस्ती देखिए यहां पर देखिए हाईलाइट भी किया गया है। 17 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, बहुत ही टफ पेपर था मैं कहूंगा। अब देखते हैं यहां पर क्या सीन है, हमारी हिमालय के बारे में बात करते हैं, हिमालय कहां से है, हिमालय स्टार्ट हो रही होती है जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 5 स्टेट हो गए, नहीं आगे भी है, कौन कौन सी, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये भी तो स्टेट्स हैं। तो टोटल के टोटल मिला करके अगर बात करेंगे तो 8 स्टेट है जहां पर है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी। आगे बात करते हैं, वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, देख लेते हैं वेस्टर्न घाट कहां पर है भाई। वेस्टर्न घाट देखिए, हालांकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फिर भी चलिए ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूं मैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर उसके बाद से केरला और साथ में कर्नाटक, क्या यही है 5 हो गए, नहीं तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट में वेस्टर्न घाट जा रही होती है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बोलता है पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली, पुलिकट स्टेट केवल और केवल 2 लोक में है, यस बिल्कुल करेक्ट है, आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु के बीच में आ जाएगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिकट लेक। तो आपको पुलिकट लेक और
चिलिका लेक में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि लोकेशन क्या है, किन दो स्टेट के बीच में है। यह आपको मिल जाएगी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, यह आपको मिल जाएगी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑप्शन केवल और केवल 3 करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये चीज हो गई। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करें तो देखिए रिवर तीस्ता के बारे में पूछा गया। जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, हम लोग इसको यहां पर नहीं करेंगे, हम लोग इसको स्किप करेंगे और ज्योग्राफी में देखेंगे क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में अगेन देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग स्किप करेंगे, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। बाकी हमारे सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर के सॉल्व हो गए हैं। दीज आर द ऑल द क्वेश्चंस जो भी 24 ईयर्स में आ रखे हैं हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।